Today we will discuss a new chapter and our chapter name is ISO product curve या हम कह सकते हैं इसे ISO quant जिसे कहते हैं समोत्पाद वक्र। देखिए ये जो ISO curve है उसको हम बता सकते हैं जिस तरह से हमने उदासीनता वक्र पढ़ा था, इनडिफरेंस कर्व, जिसमें हमने देखा कि एक कंज्यूमर दो डिफरेंट कॉमोडिटीज़ का यूज़ करके सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर रहा था, यानी कि संतुष्टि को प्राप्त कर रहा था। तो वो जो इनडिफरेंस कर्व था, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि इनडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र ये किससे संबंधित था, उपभोक्ता से या हम कह सकते हैं कंज्यूमर से, राइट। तो ये इनडिफरेंस कर्व हमें बता रहा था कि एक कंज्यूमर अपनी जो लिमिटेड इनकम होता है उसको कैसे खर्च करके दो वस्तुओं के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाता है, यानी कि टू कॉमोडिटीज़ के बीच में जो कॉम्बिनेशन बना रहा है उससे उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व था उससे वो दो वस्तुओं का यूज़ कर रहा था और दो वस्तुओं का प्रयोग करके उसे क्या मिल रहा था, एक समान संतुष्टि कह सकते हैं या एक लेवल का सेटिस्फैक्शन उसे मिल रहा था। इनडिफरेंस कर्व जो रिलेटेड था वो कंज्यूमर से रिलेटेड था, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ISO क्वांट की या ISO वक्र की, तो ये जो ISO कर्व है ये रिलेटेड होता है आपके प्रोड्यूसर से, यानी कि उत्पादनकर्ता से। सिंपल सा समझ में आएगा, अगर आपने उदासीनता वक्र को नहीं पढ़ा है तो ISO कर्व थोड़ा सा कह सकते हैं मुश्किल होगा समझने में, क्योंकि उदासीनता वक्र की बहुत ज़्यादा फीचर्स ISO कर्व से मिलते हैं, ठीक है। तो एक आपको पता होना चाहिए कि जो इनडिफरेंस कर्व था जिसमें हमने कंज्यूमर की बात की थी और कंज्यूमर वहाँ पे क्या कर रहा था, दो कॉमोडिटीज़ का यानी कि टू कॉमोडिटीज़ के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनमें वो क्या था, इनडिफरेंस कह सकते हैं उदासीन रहता था, जिसमें उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिलता था। क्या मिल रहा था, सेम सेटिस्फैक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, समान संतुष्टि उसे प्राप्त हो रही थी। बात कर रहे हैं ISO कर्व की जिसमें जो प्रोड्यूसर होगा यानी कि उत्पादनकर्ता, जो ये किससे रिलेटेड होगा, अगर आपको 2 मार्क्स से पूछा जाए कि ISO कर्व इज़ रिलेटेड टू प्रोड्यूसर एंड इनडिफरेंस कर्व इज़ रिलेटेड टू कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता से संबंधित है उदासीनता वक्र और जो समोत्पाद वक्र है वो उत्पादनकर्ता से संबंधित हैं, क्लियर है। और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो कॉमोडिटीज़ की बात नहीं कर रहा है, वो बात करेगा आपके फैक्टर्स की या हम कह सकते हैं साधनों की, क्लियर है। क्योंकि सिंपल है कि जो प्रोडक्शन करने वाला होगा, जो उत्पादन करता होगा, उसे दो कॉमोडिटीज़ तो वो बनाता है, लेकिन उस कॉमोडिटीज़ को, उस वस्तु को बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, साधन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल लेंगे फैक्टर का, वो हम लेंगे लेबर का और लेंगे दूसरा हम लेंगे कैपिटल का, क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि लेबर और किसका यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल का। L का मतलब हो गया लेबर और यहाँ पे जो डिनोट किया जा रहा है कैपिटल को, वो हम डिनोट कर रहे हैं K से, किससे संबंधित कर रहे हैं, K से। कह सकते हैं कि ये USA का इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। और दूसरा हम जो C है वो कंजप्शन के लिए ऑलरेडी है, उसको हम प्रेजेंट करते हैं C से, इसीलिए हम K को डिनोट कर रहे हैं किससे, कैपिटल से, क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन करने वाला होगा वो दो फैक्टर लेगा, कौन कौन सा, लेबर और कैपिटल का, क्लियर है। हुआ आपको कि ये ISO कर्व किससे संबंधित है, उत्पादनकर्ता के। तो ये दो फैक्टर जो लेगा उसमें वो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है, और उस कॉम्बिनेशन में उसको सेम क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्शन मिलेगा, सेम उत्पादन होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या था, सेम सेटिस्फैक्शन यानी कि समान संतुष्टि थी, समान संतुष्टि के लिए वो कॉम्बिनेशन बना रहा था, क्लियर है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, समान उत्पादन। तो ये इंट्रोडक्शन था, थोड़ा डिफरेंस कह सकते हैं इनडिफरेंस कर्व का और ISO कर्व का। तो चलिए बात करते हैं हम ISO प्रोडक्ट कर्व की, ठीक है। तो चलिए, इसमें दो वर्ड है, ISO प्लस प्रोडक्ट, तो इसे हम कंबाइंड में कहते हैं ISO प्रोडक्ट, ठीक है। जो ISO का मतलब होता है सेम यानी कि समान, ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब होगा प्रोडक्शन हो सकता है या कॉमोडिटी से हम संबंधित कर सकते हैं, यानी कि उत्पादन या
वस्तु। तो ISO और प्रोडक्ट का मतलब होता है समान उत्पादन। अभी हमने बात की थी कि एक उत्पादनकर्ता क्या कर रहा है, दो साधनों का प्रयोग करके उनके बीच में ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहा है, ठीक है, एक ही कर्व पे, एक ही वक्र पे कॉम्बिनेशन ऐसा बना रहा है जिसे सेम समान प्रोडक्शन होगा, क्लियर है। और IC जो इनडिफरेंस कर्व था वहाँ पे क्या हो रहा था, समान संतुष्टि मिल रही थी एक कंज्यूमर को जो कि दो वस्तुओं X और Y को लेके वो कर रहा था, क्लियर है। चलिए बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। इन कंबाइंड फॉर्म ISO प्रोडक्ट कर्व मीन्स शोइंग सच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय विच द प्रोड्यूसर मे प्रोड्यूस द कॉमोडिटीज इन सेम क्वांटिटी। क्या कह रहा है ये, सिंपल से मीनिंग कह रहा है कि उत्पादन के साधनों के ऐसे सहयोग को, ऐसे कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है जिसमें उत्पादनकर्ता वस्तु की समान मात्रा उत्पादित कर सकता है, यानी कि ऐसे साधनों के, उत्पादन के साधनों को वो कॉम्बिनेशन करता है जिससे वो वस्तुओं की क्या कर रहा है, एक उत्पादनकर्ता समान उत्पादन कर रहा है, क्लियर है आपको। ध्यान रखना सेम कॉमोडिटीज़ हो, चाहे प्रोडक्शन को मैं कॉमोडिटीज़ भी बोल सकती हूँ, क्लियर है। तो सेम कॉमोडिटीज़ बना रहा है या सेम प्रोडक्शन कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे ISO प्रोडक्ट कर्व का मीनिंग क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन कर रहा है किन के बीच में, फैक्टर के बीच में। फैक्टर हम कौन सी बात कर रहे हैं, लेबर और कैपिटल की, यानी कि श्रमिक की और पूंजी की। तो उनके साधनों को वो यूज़ करके या उनका कॉम्बिनेशन सहयोग बनाकर वो क्या कर रहा है, उत्पादन कार्य कर रहा है जिससे समान उत्पादन या समान वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, क्लियर है आपको। आगे बात करते हैं, ISO प्रोडक्ट कर्व इज ऑल्सो नो एज प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप कह सकते हैं बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ISO प्रोडक्ट कर्व को और किस नाम से जानते हैं, उत्पादन उदासीनता वक्र, प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व। इन डिफरेंस कर्व तो है लेकिन इसके आगे क्या लग गया है, प्रोडक्शन। तो ये वो इन डिफरेंस कर्व की अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ रिलेटेड टू कंज्यूमर, बट प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसर, क्लियर हुआ। यानी कि ये जो उत्पादन आपका उदासीनता वक्र है ये उत्पादनकर्ता से रिलेटेड होगा, संबंधित होगा, क्लियर है। तो सिंपल सी शब्द में अगर हम कहें कि ISO कर्व क्या है, तो क्या कहेंगे कि समान उत्पादन वक्र दो साधनों के उन संभावित सहयोग को बताता है जिससे एक समान उत्पादन होता है, क्लियर हुआ। यानी कि एक प्रोड्यूसर क्या करता है, दो फैक्टर को ले रहा है, दो साधनों को ले रहा है, और हम यहाँ पे दो साधन की बात कर रहे हैं, किसकी, लेबर, और दूसरी बात कर रहे हैं आपके कैपिटल की, क्लियर है, यानी कि श्रमिक की और दूसरा पूंजी की। तो दो साधनों को लेकर वो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहा है और उससे रिजल्ट क्या आ रहा है, एक ही समान उत्पादन, क्लियर है। बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन की। फर्स्ट एजम्पशन है, इट इज एज्यूम दैट ओनली टू फैक्टर आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन। सिंपल है, ध्यान रखिएगा। अभी आप हमारे ये भी सोचने का विषय है क्या श्रमिक और पूंजी जो है क्या वही उत्पादन को बनाती है, बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, तो क्या हम यहाँ पे लेबर और कैपिटल ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इस ISO प्रोडक्ट कर की एक मान्यता है कि आपको क्या करना है, दो फैक्टर को लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्पादन करने के लिए, क्लियर है। तो इट इज़ एज्यूम, बिल्कुल है, आप मान रहे हो कि क्या मान रहे हो कि दो साधनों का ही उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है, क्लियर है। टेक्निकल कंडीशंस आर स्टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप तकनीक ले रहे हो वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि उत्पादन में जो भी तकनीकी कह सकते हैं सिचुएशन रहेगी, स्थितियाँ रहेगी, वो रहेगी स्थिर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल स्मॉल यूनिट्स, ध्यान रखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि उत्पादन में या कह सकते हैं उत्पत्ति के साधन को छोटी छोटी इकाइयों में क्या कर रहे हैं, विभाजित
कर सकते हैं, स्मॉल यूनिट्स में कर सकते हैं। यानी कि इस मान्यता के हम कह सकते हैं, इस मान्यता से ही हम कह सकते हैं कि हम अपना जो ISO कर्व है वो ड्रॉ कर पाएंगे, खींच पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल टू सर्टन लिमिट। सिंपल है कि आप उत्पत्ति के जितने भी विभिन्न साधन हो उसको एक सीमा तक प्रतिस्थापन कर सकते हो। यानी कि आप लेबर की जगह कैपिटल को यूज कर सकते हो और कैपिटल की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट यानी उसके जगह यूज करना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि आप एक के बदले क्या कर रहे हो, ये चीज नहीं यूज करके आप उसका दूसरा यूज कर रहे हो। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि आप लेबर को नहीं यूज करके आप किसको कर रहे हो, कैपिटल को। तो वो एक आपकी जो निश्चित सीमा रहेगी उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसमें आप प्रतिस्थापन कर सकते हो। क्लियर है आपको? तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एजम्पशन थी जिसे हमने माना कि यहाँ पे मेन जो एजम्पशन है कि टू फैक्टर्स वो प्रोडक्शन करने वाला यूज करेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो अब हम एक टेबल और एक डायग्राम से समझते हैं कि ISO कर्व है क्या, राइट? यहाँ पे हमने ISO कर्व समझने के लिए एक टेबल ली है जिसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाए, संयोग ए बी सी डी ई, ठीक है, कॉम्बिनेशन से ही हमारे एक्स फैक्टर हमने माना है लेबर को, ठीक है, और ए ओ एक्स पे हम क्या बता देंगे, ओ एक्स जो आपका डायग्राम बनाएंगे ओ एक्स पे हम किसको बताएंगे, लेबर को यानी कि श्रमिक को। क्लियर है? और ओ वाई पे यानी कि जो ओ वाई रहेगा उस पे हम क्या बताएंगे, कैपिटल को बताएंगे। क्लियर है? तो हमने एक्स फैक्टर लिया है लेबर को और वाई फैक्टर लिया है कैपिटल को। क्लियर है? और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए का देखा होगा, तो ए क्या कह रहा है कि एक लेबर जब काम करता है तो वो किसके बराबर है, 20 कैपिटल के बराबर है, ठीक है, यानी कि 20 यूनिट जो कैपिटल की है उसके बराबर है। क्लियर है? जैसे ही हम बी कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो बी कॉम्बिनेशन में देखा कि हमने एक लेबर को बढ़ाया, यानी कि हमने एक लेबर को जब इंक्रीज किया तो हमें क्या करना होगा, 6 यूनिट जो कैपिटल की है वो रिड्यूस करना होगा यानी कम करना होगा। क्या एक लेबर जो पहले वाला जो लेबर था वो 20 कैपिटल के बराबर था, लेकिन जैसे ही हमने एक लेबर को बढ़ाया तो हमें तो यहाँ क्या करना हो रहा है, कैपिटल को कम करना हो रहा है, यानी कि 6 कैपिटल जो यूनिट है वो कम हो रही है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि जब एक लेबर 20 कैपिटल के बराबर है तो दूसरा लेबर जो हम बढ़ा रहे हैं वो 40 कैपिटल के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए एक लेबर जब हम बढ़ा रहे हैं तो जो लेबर आ रहा है नया वो लेबर पहले वाले लेबर यानी कि जो पहले वाला जो श्रमिक था उससे कम एफिशिएंसी में काम करेगा, यानी कि जो नया लेबर आ रहा है वो क्या कर रहा है, कम एफिशिएंसी में यानी कि बहुत ही कम कुशलता पूर्वक कार्य करेगा, इसीलिए दूसरा वाला जो लेबर है वो 14 कैपिटल के बराबर ही होता है। यानी जब हमने एक लेबर को बढ़ाया तो हमने कैपिटल की जो है उसकी क्या करी है, यूनिट को कम कर दिया, यानी कि 14। क्लियर हुआ? इसी तरह से हमने एक लेबर को और जब इंक्रीज किया तो दो तीसरा जब हमने लेबर यानी कि हमने एक लेबर को इंक्रीज किया तो हमें कैपिटल की क्या करनी पड़ी, आपकी 4 यूनिट को कम करना पड़ा, राइट, 4 यूनिट को कम करना हो। उसी तरह से आपने देखा कि हमने एक लेबर और बढ़ाया तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको 2 कैपिटल कह सकते हैं यूनिट कम करना होगा। और उसी तरह से हमने एक लेबर और बढ़ाया तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या किया, एक कैपिटल को हमने कम किया। तो ध्यान रखिएगा ऐसा इसलिए होता है कि जब भी जो लेबर पहले वाला जो लेबर होता है वो इतनी एफिशिएंसी से काम करता है पहला, जितना दूसरा जो आता है वो उतना एफिशिएंसी से काम नहीं करता, यानी कि वो इतना ट्रेंड नहीं होता, प्रशिक्षित नहीं होता जो एफिशिएंसी से वर्क कर पाए। क्लियर है? इसीलिए वो हमें क्या करना होगा, एक जो कैपिटल है उसकी यूनिट धीरे धीरे कम करनी होगी, या हम कह सकते हैं कि एक लेबर को जब हम एक साधन को बढ़ाते हैं तो दूसरे साधन को कम करते हैं। क्लियर है? लेकिन चाहे आप ए कॉम्बिनेशन की बात करें, चाहे बी की, चाहे सी, चाहे डी, चाहे ई की, इसमें सेम लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि 500 जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो कितनी रहेगी, 500 ही रहेगी। चलिए इसे हम एक डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं कि ISO कर्व क्या बता रहा है।
आपको इनडिफरेंस कर्व याद होगा, जिसमें इनडिफरेंस कर्व में भी आपने देखा कि आप एक वस्तु की अगर यूनिट को बढ़ाते हो, बनाना को बढ़ाते हो, और आपने दूसरी वस्तु मैंगो लिया है यानी कि आम को लिया है, तो आप क्या करेंगे कि जब बनाना की यूनिट बढ़ाओगे तो आपको आम की यूनिट क्या करनी होगी, कम करनी होगी। तो आपने इनडिफरेंस कर्व में बिल्कुल ये देखा होगा, इसीलिए हमारा जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, डाउन स्लोप में होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हम इनडिफरेंस को प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इनडिफरेंस प्रेडिक्शन कर्व। क्लियर है? आप इसे आईएसओ क्वांट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इनडिफरेंस प्रेडिक्शन कर्व लिख रही हूँ। क्लियर है? तो ये डाउन स्लोप में क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या है, अभी हमने देखा जो डिफरेंस देखा आपने। क्लियर है? तो जो डिफरेंस देखा वो कारण होता है MRTS के कारण, यानी कि MRTS क्या होता है, अब क्वेश्चन ये आता है, आपने इनडिफरेंस कर्व में, इनडिफरेंस कर्व जो उदासीनता वक्र पढ़ा था हमने, तो उसमें क्या देखा था कि वहाँ पे क्या था, MRS था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था ना, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का, एक वस्तु को जैसे ही बढ़ा रहे थे दूसरी वस्तु को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, तो उनमें कॉम्बिनेशन लेके आ रहे थे, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पे जो आईएसओ कर्व होता है उसमें जो हम रेट यूज़ करते हैं, मार्जिनल रेट TS, TS का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा टेक्निकल क्यों, क्योंकि उत्पादन करने में हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उत्पादनकर्ता में, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ठीक है, जिसे हम MRTS से डिनोट कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम जो फैक्टर ले रहे हैं LK यानी लेबर एंड कैपिटल, और वहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, जो अब हम बात कर रहे हैं इनडिफरेंस कर्व की, तो वहाँ लिख रहे थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY, क्योंकि वस्तुओं के नाम क्या थे, जो हम वस्तुओं में कॉम्बिनेशन ले रहे थे कॉमोडिटीज़ में, देन वहाँ पे हम कह रहे थे XY, लेकिन यहाँ पे हम फैक्टर यूज़ कर रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं लेबर एंड कैपिटल। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे जो रेट काम आएगी, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए MRTS का, ठीक है। तो देखिए इसमें उदासीनता वक्र में जब दो वस्तुओं एक्स वाई के मध्य यानी कि उनके मिड में हम क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट रेट का हमने स्टडी किया था, और यहाँ पे हम आईएसओ कर्व में दो प्रोडक्शन की कह सकते हैं टेक्निक्स की, ठीक है, टेक्निक्स के सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, यानी कि दो साधनों के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर हम काम में लेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि उत्पत्ति की मात्रा को स्थिर रखते हुए एक साधन को दूसरे साधन के साथ प्रतिस्थापन किया जा सकता है, सिंपल है। और इसका फॉर्मूला भी हम साथ देख लेते हैं, चेंज इन फैक्टर वाई अपॉन चेंज इन फैक्टर एक्स। क्लियर है? वाई हमने किसको लिया है, कैपिटल को लिया है, तो हमने दिखा दिया चेंज इन कैपिटल यानी के, और यहाँ पे चेंज इन फैक्टर एक्स कौन सा लिया है, लेबर को, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका थोड़ा फॉर्मूला। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे MRTS कैसे निकालेंगे। सिंपल है कि कैपिटल और जो हम लेबर है उनके सब्स्टिट्यूट कितना कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि कैपिटल के आपने 6 जो यूनिट काम की थी वो एक लेबर को बढ़ाने के लिए की, फिर आपने एक लेबर को और बढ़ाने के लिए कैपिटल की कितनी यूनिट काम की थी, 4, उसके बाद में फिर आपने एक लेबर की और एक यूनिट बढ़ाने के लिए कैपिटल की 2 यूनिट को कम किया, उसी के साथ में आपने देखा कि कैपिटल की एक यूनिट कम करने पर आपने लेबर की एक यूनिट को इंक्रीज किया, राइट। तो ये MRTS होती है, और ये किसको बता रही है, लेबर और कैपिटल का। क्लियर है? चलिए इसे एक डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं, सिंपल है, कर रहे हैं इसकी डायग्राम की। ओ एक्स पे हमने फैक्टर बताया एक्स फैक्टर, जिसे हम लेबर मानते हैं, और ओ वाई पे हमने कैपिटल को बताया है पूंजी को, राइट। देखिए यहाँ पे हमने एक IPC कर्व बनाया है, इनडिफरेंस प्रेडिक्शन कर्व, जिसे ISO क्वांट के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो ये कॉम्बिनेशन बता रहा है ABCDE, ये सारा का सारा ये कॉम्बिनेशन बता रहा है सेम उत्पादन, जो उत्पादन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सेम प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है? तो सेम प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 500। क्लियर है? तो यानी कि अगर ए पॉइंट की बात करें 500 होगा, बी पॉइंट की बात करें 500 होगा, सी की बात करें 500 हो रहा, और अगर डी पॉइंट की बात करें तो भी 500 प्रोडक्शन हो रहा है, और ई कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो भी 500 हो रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम कैपिटल की
कम करेंगे वैसे वैसे लेबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि एक लेबर की यूनिट को बढ़ाने के लिए हम कैपिटल को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि पहले हमने 6 आप कह सकते हैं यूनिट को कम किया, फिर 4, फिर 3, सॉरी फिर 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। तो ये जो कैपिटल को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसा मेनली रीज़न क्या होता है, आपने देखा होगा वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है उसमें हमने देखा था कि पहले वाला जो लेबर होता है वो कह सकते हैं ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करता है कंपैरिजन टू दूसरे वाले लेबर के। इसीलिए जो इंक्रीजिंग था, जहाँ पे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग देखा आपने, तो वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, फिर आपका प्रोडक्शन थोड़ा कांस्टेंट हो रहा था, और तीसरी स्थिति में क्या आ रहा था, जो प्रोडक्शन है वो डिमिनीजिंग जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो लेबर है वो अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर रहा था। यानी कि जो पहले वाला जो लेबर होता है वो ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करता है कंपैरिजन टू दूसरे से। क्लियर है? इसीलिए हमने यहाँ पे कैपिटल को क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपकी ये डिक्रीज हो रही है और हमने लेबर की यूनिट को बढ़ाया है। तो ये मेन जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इसकी कह सकते हैं डाउन स्लोप का रीज़न क्या होता है, डाउन स्लोप का रीज़न होता है MRTS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो डाउन स्लोप है या कॉन्वेक्स है, ये इसका मेन रीज़न क्या है, MRTS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट। तो ये आपका कह सकते हैं इसका रीज़न है। चाहे हम प्रोड्यूसर ए कॉम्बिनेशन लें, चाहे बी कॉम्बिनेशन लें, चाहे सी, चाहे डी, चाहे ई, उस पर सेम लेवल का प्रोडक्शन होगा 500 का। क्लियर है? और जब हमने इंडिफरेंस कर्व देखा, वहाँ पे जो कंज्यूमर था उसको जो कॉम्बिनेशन मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, सेम सेटिस्फेक्शन का मिल रहा था दो कॉमोडिटीज़ के बीच में। यानी कि वो जो कॉम्बिनेशन बना रहा था वो दो कॉमोडिटीज़ के बीच में बना रहा था। और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, उत्पादनकर्ता, वो दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन को कर रहा है सेम लेवल के प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो ए बी किसी भी पॉइंट को वो सेलेक्ट करे, किसी भी कॉम्बिनेशन को, संयोग को वो चुने, वहाँ पे सेम लेवल का कह सकते हैं प्रोडक्शन होगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे हमने कह सकते हैं कैपिटल का, आप देखिए यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस कह सकते हैं कम किया, सॉरी ज़्यादा किया एक लेबर को बढ़ाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, कैपिटल का जो यूनिट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि लेबर की यूनिट को बढ़ाने के लिए। राइट?